हेलो दोस्तों, टाटा की हेक्सा 4x4 है। 2017 का मॉडल है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में कंप्लेन था कि ये कार के ओनर कहीं गाड़ी लेके जा रहे थे और तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर गाड़ी जो है चलाने के बाद कहीं पे पार्क किए, और पार्क करने के बाद जो है कुछ काम करने के लिए गए थे, और आने के बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसमें प्रॉब्लम इतना शानदार था कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक टेक्नीशियन भी आया था, एक मैकेनिक आया था, और उस मैकेनिक ने गाड़ी का बैटरी वगैरह चेक किया, बैटरी का वोल्टेज वगैरह तो वो भी प्रॉपर था। तो उसने शायद से बैटरी के जो टर्मिनल थे, टर्मिनल वगैरह साफ़ किए, साफ़ करने के बाद थोड़ा एयर वगैरह भी निकाला, लेकिन वहाँ पर गाड़ी चालू होती थी और चालू होने के बाद तुरंत बंद हो जाती थी। तो इसमें होता ये था कि गाड़ी, उन्होंने बैटरी वगैरह जब जंप किया तो जंप करने के बाद जो है गाड़ी चालू होती थी और तुरंत बंद हो जाती थी, और फिर एयर वगैरह भी निकाला तो एयर वगैरह निकालने से भी कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। तो वापस से गाड़ी जो हमारे पास आई और टोइंग करके, तो गाड़ी टोइंग करके हमारे पास आई तो हम लोग भी इसका बैटरी का वोल्टेज चेक किया तो कुछ 12 बता रहा था और सेल्फ मारने के बाद 10 था। तो बैटरी वोल्टेज प्रॉपर था लेकिन सेल्फ मारने पर कट कट आवाज़ आती थी। तो हम लोग ने भी एक बार बैटरी को जंप किया और स्टार्ट किया तो स्टार्ट होकर तुरंत गाड़ी बंद हो जाती थी। तो दोस्तों फाइनली इसमें ये प्रॉब्लम ये था कि ये देखिए इसका डिपस्टिक जो गेज है ऑयल का, तो हम लोगों ने बोला कि एक बार चेक करते हैं ऑयल है कि नहीं गाड़ी में। तो जब चेक किया तो इसके अंदर है ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, मतलब कि डिपस्टिक में ऑयल टच ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास से जो है तकरीबन 4 से 4.5 लीटर ऑयल डाला इसके अंदर, यूज्ड ऑयल डाला, और डालने के बाद खाली फोर चेकिंग के लिए। तो उसके बाद से गाड़ी को जंप किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं पड़ रही थी। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका या तो इसमें कोई सेंसर लगा हो, और या तो हो सकता है कि जो इंजन के अंदर जो बैरिंग्स आती है वो क्रैंक बैरिंग, कनेक्टिंग बैरिंग पकड़ लेता हो, इसके लिए जो है चालू होकर बंद हो जाती हो। ये दो रीज़न हो सकते हैं। तो अब हमने फाइनली इसका सर्विस का अप्रूवल लिया है गाड़ी का कस्टमर से, तो अब इसका सर्विसिंग करेंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम था गाड़ी के अंदर, और इसके ऑयल ना होने की वजह से जो है गाड़ी स्टार्ट होती थी और तुरंत बंद हो जाती थी। और अच्छा हुआ कि रनिंग कंडीशन में ये नहीं हुआ, नहीं तो शायद से इंजन भी सीज हो जाता था इनका। तो फाइनली दोस्तों ऑयल नहीं था इसके अंदर, इसके लिए जो है गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत बंद हो जाती थी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।